ಇಬ್ಬಳುವಾ ಕೆಪೆಳವಾತಲೆ ಮೊರಾಯಿ ಜಿಯರವಾ ಜಲೆ ಚಲೆ ಸಜಿನಿಕೆ ಸಂಗಪ್ಪ. ಈ ಸಮಯ ತುಕ ಪ್ರೇಮ ಕಾ ಭೂತ ಸವಾರ ಹುವಾ ಹೈ, ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ಘರ್ ಚಲೆ ಕೆ ಬಜಾಯ ಹಮಾ ಸೂರತಿಯಾ ದೇಖತ ಹೈ. ಸಮಯ ತೋ ಚಲ್ ಗಯಿ ಪರ ಘರವಾ ತೋ ಉಹೆ ರಹಿ ನಾ, ಯಹಿ ಖಾತಿರ. अरे बादल में घिर आए हैं. तब तो तुरते घर के चल पड़ी. हे भगवान जल्दी घर पहुंचा दा. चल रे रे मोती. अरे जल्दी जल्दी निकालो ना. रे चल रे मोती. ये कहाँ है? बादल तो ऐसे गरजत है जैसे घनघोर वर्षा होए. हाँ हो, हम हूँ कैसे लगाता रात होए वाले बाद हम गाली कैसे चलाई? ये बात तो है, कहते हैं पास पे एक मंदिर हुई भे, चलो वहीं जाके ठहर जाते. अच्छा हुई ये मंदिर मिल गई. ये बात तो है, यदि मंदिर ना होता तो भला हम लोग रात में कहाँ ठहरते. हाँ इस तरह माता को काय गुरत गुरत देखत हो? ये पवित्र देवी माँ की मूर्ति के सामने हमका मन में भय आ जाला. भय नहीं आना चाहिए, मन माँ भक्ति आवत चाहिए. वो तो है. ये लो ये चादर उधर बिछा कर तू उधर सो जाओ, हम हूँ इधर सो जाते हैं. हमको तो रात तो गुजारना पड़ेगा ना. ठीक है. सावन का महीना पवन कर शो उधर सो जा. खुशी में ही मेरी भी खुशी शामिल है. मेरे परिवार का दायित्व अब तुम्हारे हाथ में. मेरी मां की बात का तुम कभी भी ध्यान नहीं दिया. सच बात बताऊं तो मेरी मां नहीं चाहती थी कि तुमसे मेरा विवाह हो. अपने परिवार वालों की इच्छा के विरुद्ध मैंने तुमसे विवाह किया, जबकि मेरी मां यह नहीं चाहती थी. जब तुम्हें देखा पहली बार ही देखकर ऐसा लगा था कि मेरा विवाह केवल तुमसे ही होगा. तुम ही आकर मेरी
पत्नी बनकर इस परिवार को संभालूंगी, लेकिन मैं अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ शादी की है। एक बात कहूं, मेरी माँ को तुम इस घर की बहू बनो बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जैसा पति पाकर मैं सौभाग्यवती हो गई हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। अब जाकर मेरे मन को शांति मिली। घर में आए अभी 4 दिन भी नहीं हुए, आते ही अपना अधिकार जताने लगी। अब हमें वो तमीज सिखाएगी कि किसके साथ कैसे पेश आना चाहिए। चलो अब हमें उससे ही तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। हाँ, ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। नए नए जूते शुरू में इसी तरह काटते हैं, मैं देख लूंगी। रुको 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 रुको, हमारे चलो का घर आ गया। डार्लिंग, अब आए हो, जो मैं बात नहीं करती। नाराज क्यों होती हो? अच्छा, मैं अपने घर को चला रहे। मामा बात तो करने दो और जाओ। बाहर भेज रहे हो क्या? मैं ही तुम्हें लेकर आया था। क्या है जमाना क्या आया है, मुझे तुम बाहर भेज रहे हो क्या? मुझे मालूम है। तुझे मालूम है, मुझे मालूम है, लेकिन परीक्षा के लिए देर हो रही है, जल्दी जाओ जाओ। भाई साहब, अरे आप यहाँ? अरे आजा 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 मेरे राजा, आजा 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 आजा, कैसा है रे तू? तू कोई हाउसवाइफ है क्या? तुझे मैं सर पे बिठा के रखूं और कुकड़ को करता रहूं? पैसा चाहिए ना तुझे? हाँ, अरे तुझे और पैसे देता हूँ मैं, फिक्र मत कर। अरे देख तो नहीं रहा वहाँ? कोई नहीं है। ए इतना गर्म क्यों होता है रे? अब भी मैं पैसे निकाल के देता हूँ तुझे। हाँ बेटा, क्या बोला मुझे बेटा? इतना बड़ा आदमी हूँ मैं और मुझे तू बेटा बोला? करता हूँ। अब भी देता हूँ मैं। हाँ अगर तुम अभी मेरे पैसे देते हो तो मैं अभी चला जाऊँगा। अरे रे, ऐसा अधर्म मत करना रे, हमें छोड़कर तुम कैसे जाओगे? सीधे तरीके से पैसे दे रहे हो, मैं उल्टे तरीके से ले लूं तो बाद में हाथ नहीं पड़ूं, लड़की को ले जाऊं। चुप रहो, अगर तुमने इस लड़की के बारे में कुछ कहा तो ठीक नहीं होगा। अरे मेरी मर्जी, मैं चाहूँ जो बोलूँ। अरे मेरा मुँह है, मेरी मर्जी है, तुम कौन होते हो रोकने वाले? इधर सुनो, ये हाथ मेरा है, ये धंधा भी मेरा है, मेरी जो मर्जी आएगी मैं करूँगा। आज के बाद चिल्लाना नहीं, समझ गया मैं कौन हूँ? मेरे घर में घुस के मुझे ही दादागिरी दिखा रहे हो क्या? तुम इसी लायक हो, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, समझा? ए, ये ले पैसे और दफा हो जाए यहाँ से। थैंक यू, आप धमकी करो। भला मेरे घर में परमिशन देने वाला तू कौन होता है? उनको रुपए देने की भला क्या जरूरत थी, वो तो हम बाद में भी दे सकते थे ना। अरे ये तो पैसे यूं ही बर्बाद करता रहता है, अब पैसे कैसे समझाऊंगा? मामा दे या मैं, बात तो एक ही है ना जाने माने कमांडर। देखा, मामा की बिल्ली मामा को म्याव कर रही है। कोई बात नहीं, मैंने ही रास्ता दिखाया था, उनकी मर्जी जो करना करे, अपना क्या जाता है। हाँ अरे लगे क्या? अभी आया। चलो अपने 1000 रुपए पक्के हो गए, कोई बात नहीं। क्यों रे फिर से आ गया? क्या एक्टिंग करता है बेटे तू? हाँ तू तो अभी तक का बाप निकला, उनका तो काम हो गया है। अब मेरे वो 5000 निकाल। एक्टिंग अच्छी करे बेटे, रख ले 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये? तो क्या मैं तुझे 1,00,000 रुपया दूंगा? 50 देने वाला था और 50 डाल के दिया मैंने एक्स्ट्रा। हाँ और एक बात सुन ले, दलाली का धंधा आजकल करना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे ही बोला बॉस? ऐसे ही बोला क्या? सोचा अच्छा धंधा है, कर लेते हैं। नेकलेस कैसा लगा बताओ ना? आपकी तरह बहुत सुंदर है। तुम्हारे ऊपर बहुत ही सुंदर लग रहा है, तुम्हें तो पसंद है ना? पसंद की बात नहीं, ये तो प्यार की बात है। प्यार ही सबसे अनमोल है, क्योंकि प्रेम ही पूजा है और मेरी पूजा तो आप हैं। ये सब छोड़ो, नेकलेस लाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि प्रेम को व्यक्त करने का यही तरीका है ना। फालतू में इतने रुपए आपने खर्च कर दिए, ये आपने सोचा है? आखिर क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि तुम ही सब कुछ हो, इसलिए अब तुम ये चाबियां संभालो। अब मैं यहाँ का राजा और तुम यहाँ की महारानी हो, इसलिए तुम ये चाबियां खुद संभालो। आपने तो मुझे सब कुछ दिया, तो भला इसकी क्या जरूरत? आप मेरे लिए सब कुछ हैं। ये सब कहने की जरूरत नहीं, अब इस घर की मालकिन तुम ही हो, कब किसे क्या देना है क्या करना है तुम ही संभालोगी। अब मुझे क्या देने वाली हो जरा बताओ तो देखें।
क्या चाहिए बताइए ना। मेरे साथ कोई नहीं पैदा हुआ है, इसलिए मुझे एक संतान की खुशी दे दो। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं भी आपको खुश देखना चाहती हूँ। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ऐसा क्या शिवानी, इस खुशी के आगे सारी खुशियां बेकार हैं। कितने महीने का बच्चा? ये क्या तीन उंगलियां दिखा रही हो? ओफो, आप तो समझते ही नहीं। ओहो, तीन महीने का बच्चा है। शिवानी, अब तुम्हें अपने सेहत का ख्याल रखना होगा। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। इतनी जल्दी नहीं, अभी तो तीन महीने का है ना। काम वाम करती रहना, वरना जो बच्चा पैदा होगा वो लंगड़ा लूला हुआ तो। छोटी माँ, मेरा क्या, जो सच बात है वो मैंने बता दी, चाहे बुरी लगे या भली लगे। शिवानी, मुझे बाहर थोड़ा काम है, मैं बाद में आता हूँ। सुनती हो? जरा सुनना तो। ये चाबी पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, कुछ याद नहीं। अरे तुम्हारे पास है, जरा देना तो। ये लो। इतने रुपए किस लिए, क्या वजह जान सकती हो? वजह चाहे कुछ भी हो, तुम्हें जानना जरूरी नहीं। वजह बताए बिना ये रुपए नहीं मिलेंगे। इतनी बड़ी रकम तो मैं तुम्हें वजह जाने बिना नहीं दूंगी। माँ! शिवानी! माफ कीजिए माँ जी, मैंने सिर्फ ये कहा कि ये गलत है। अब आगे आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो करें। मैं चलती हूँ। लाओ माँ। Thank you.
जन्मों का तेरा मेरा साथ है, अपना सपना सजना तू ही तो है, रानी तेरे सपनों की तो मैं ही हूँ, प्यारे प्यारे प्यारे। यौवन का मुझ पे देखो चढ़ा रंग है, ऐसे में तेरे सजन मेरे संग है, धन में मेरे आज देखो उठी तरंग है, मन में मेरे सजन बसे तू ही बसले, तन में मन में मुझको तू तो बसले, सजन रे जिया में प्यारे प्यारे प्यारे। हे क्या हुआ, आज मूड नहीं है क्या? समय खराब है तो मूड कहाँ से होगा? क्या बात है? काम धेनु की तरह अब मेरी माँ पैसे देने के लायक नहीं रही। आप किसने बदल दिया, किस में इतनी हिम्मत है जो ऐसा कर सकता है? ऐसी बात नहीं मामा। मामा तू मुझे मामा बोलता है, ये लड़की मुझे मामा बोलती है, तुम दोनों के चक्कर में मैं पीसता ही जा रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ सुनो। सुनाओ सुनाओ। आजकल इसकी याददाश्त को क्या हो गया है, लगता है रात को कुछ ज्यादा ही पी ली होगी। मेरी भाभी जो है जानते हो ना? भाभी है क्या, जल्दी से बुलाओ, जल्दी से बुलाओ ना। 10,000 रुपया मांगा तो मुझे वजह पूछने लगी। लगता है बाटली के पीछे मैं बर्बाद हो जाऊंगा, इतने बड़े इंसान की इतनी बड़ी बेइज्जती, मुंह लटका के खड़ा है तू है? वैसे अब मेरी भाभी माँ बनने वाली है। तब तो खतरा है, वारिस आने का मतलब ही खतरा ही होता है। अब तो तुम फुटपाथ पे आ जाओगे, उसके बाद क्या होगा मैं नहीं जानता। नहीं, तुम्हारी भाभी का कोई वारिस हो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब तुम वारिस बनना चाहती हो? मामा मामा मर गया रे मामा। इसे रोकने का कोई रास्ता है? है ना। क्या है? अभी बताता हूँ। वारिस को पैदा करना तुम्हारे भाई का काम है और उसे बर्बाद करना मेरा काम। ये क्या कह रहे हो? ये जहर दूध में मिला के भाभी को देना है। खामोश रहो। हाँ माँ, अभी से ही वो रुपया देने से पहले वजह पूछती है। कल वारिस आ गया तो सारे दौलत के मालिक वही बन जाएगा और उसके बाद हम दोनों माँ बेटे सड़क पर सत्यनारायण के कथा सुनाते करेंगे। क्या यह तुम्हें पसंद है? बोलो माँ। लाओ दवा दो। डॉक्टर क्या हुआ? सॉरी सर, अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती। शिवानी रो मत, भगवान पर भरोसा रखो, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें तुम्हें कुछ नहीं होगा, भगवान ने चाहा तो तुम्हें एक और बच्चा पैदा होगा, रो मत। संभल के, आराम से। शिवानी क्या हुआ तुम्हें, ये इस तरह उल्टी क्यों कर रही है? कुछ नहीं मालिक, ये माँ बनने वाली है इसीलिए उल्टी कर रही है। क्या कहा, तुम्हारी भाभी माँ बनने वाली है? पहले एक बार हुई थी, उसका आभाषण तो मैं कर चुका हूँ, जब शादी होती है तो गर्भवती तो होगी ना। इस बार मेरे पास ऐसी दवाई है कि तुम देखते रह जाओगे मामा का कमाल, देखते रह जाओगे। अभी आया मैं दवाई लेकर। देखा मामा हमारी कितनी मदद। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये लो नया प्रसाद। नया प्रसाद? हाँ, एक बार इसे दूध में मिलाकर दे दो, कहानी खत्म। मैंने अपने हाथ से लेटेस्ट फॉर्मूला बनाया है ये। एक बार ये प्रसाद जैसे ही उसके पेट के अंदर गया,
कि बच्चा बाहर। यह सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं दिल की बात कहूं तो मुझे मुझे बच्चा नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ शिवानी, यह दूसरी बार ऐसा हुआ है। इस सब का कारण मैं ही हूं। सारे कष्ट मेरे कारण तुम्हें मिल रहे हैं। तुम्हारे कष्ट मुझसे देखे नहीं जा रहे। मुझे नहीं चाहिए बच्चा, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए। जिसने दुख दिया है वो सुख भी देगा। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। शायद पिछले जन्मों का फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। शिवानी, शिवानी, क्या हुआ तुम्हें? सर में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। रुको, मैं कूल ड्रिंक लेकर आता हूँ। सुनिए, वो जो मंदिर दिख रहा है वो कौन सा मंदिर है? वो मंदिर, वो खूनी मंदिर है। खूनी मंदिर? हाँ जी, आज से 25 साल पहले अपने त्रिशूल से देवी उमा ने एक आदमी का खून कर दिया था। तब से वो मंदिर खूनी मंदिर कहलाता है। अब मंदिर में कोई नहीं जाता। अच्छा, उस मंदिर तक जाने का रास्ता किधर से है? वो रास्ता देख रही हो? वहाँ से दाहिने मुड़ जाओ। बेटी, तुम वहाँ जा रही हो, मेरी सलाह मानो और वापस घर चली जाओ। धन्यवाद, ये लीजिए। जरा गाड़ी रुकिए। क्या हुआ, घर ही जाना है ना? नहीं, वहां दर्शन करके घर जाएंगे। कार में ही बैठे हैं, आप भी आइए ना। शिवानी, क्या अंदर जाना जरूरी है? क्यों, आपको डर लग रहा है? ये खूनी मंदिर है, हम दोनों का खून हो जाएगा, ऐसा सोच रहे हैं? अगर ऐसा हो भी जाता है तो ये तो भाग्य की ही बात होगी ना। आप यहीं रुकिए, मैं होकर आती हूँ। शिवानी, तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। Thank you.
सुनिए, देवी की पूजा के लिए कुछ फल फूल और नारियल लेकर आ जाइए। कई सालों से यहाँ किसी ने पूजा ही नहीं की, आप जरा जल्दी जाइए। देवी, पराशक्ति, महाकाली माँ, आपके द्वारे आशा लेकर आई हूँ। तो हमारे पाप भूलकर हमारी समस्या का समाधान कर। मैं आजीवन तेरी आभारी रहूंगी, तेरे चरणों में आई हूँ, खाली हाथ नहीं जाऊंगी। हाँ माँ, हमारे दुख तू ही समझ सकती है और हमारी समस्याओं का समाधान तू ही कर सकती है। मेरी इच्छा यही है कि मैं एक बच्चे की माँ बनूं। मेरी ये अभिलाषा माता तुम पूरी कर दो। इसी आज से मैं तेरे द्वार पर आई हूँ, मुझे सौभाग्यवती बना माता। मेरी आशा पूरी कर माता, मेरी आशा पूरी कर। माता, तूने मुझे आशीर्वाद दे दिया है, तूने मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे भागिन को जीवन दान दिया है। तुम्हारे आशीर्वाद से, करुणा से मुझे बच्चा पैदा होगा, मुझे विश्वास है। अपने बच्चे का 5 वर्ष का होने से पहले मैं तेरे द्वार आऊंगी, तेरी अर्चना और अभिषेक कराऊंगी। इस मंदिर को आजीवन नहीं भूलूंगी। हमें आशीर्वाद दीजिए माता, हमें आशीर्वाद दीजिए माता। जब से ये महारानी घर पर आई है अपना ही राज चला रही थी, अब भैया बाहर गए हैं तो पता चल रहा है कि उसकी क्या औकात है। बेटा, वो मन ही मन पता नहीं क्या खिचड़ी पकाती रहती है और अकेले खड़ी खड़ी मुस्कुराती रहती है वो। जो भी हो माँ, रावण की वो कुंती और महाभारत के शकुनी की तरह हम दोनों ऐसी चाल चलेंगे कि इसकी कोई नहीं होगी। माँ बेटी, बहू से नौकरानी की तरह काम करा रहे हैं। रुको रुको, अच्छा हुआ ये दवाई यहीं पे रखी है, ये उनके खाने में मिलाकर अभी खाना खाने का मौका चखाती हूँ। आपने तो बस इतना ही खाया है, अभी ये और भी है, खाइए ना। वाह बाबू, बहुत स्वादिष्ट बना है, तू भी खाना, बहुत अच्छा है। अच्छा, जरा ग्लास में डालना। फिर से लग गई। ए बेटा, बाहर निकल बेटा, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बेटा बाहर निकल। अरे माँ, आ रहा हूँ, पेट में दर्द हो रहा है। मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। बेटा बाहर निकल बेटा। मैं क्या करूँ, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। अब जाकर शांति मिले। अरे हट। अरे मम्मी, क्या हो गया? अरे बाप रे, अब जाकर राहत मिली, पेट का बुरा हाल हो गया था। ओ, लगता है खाने में किसी ने कुछ मिला दिया होगा, अब देखता हूँ। अरे बाप रे, फिर होने लगा। माँ, माँ, माँ। अरे माँ, रास्ता दो, जल्दी जाओ यहाँ से। हम बहुत बर्दाश्त कर लिया, आज तो हम इससे ज्यादा नहीं जा सकते। मेरी तो जान ही निकल गई, क्या करूं? बहुत खूब, इतनी देर से बैठी यही नाटक कर रही है तो दूसरा काम कौन करेगा? जो आता है उसे पीसने के लिए तेरी माँ आएगी क्या? बस हो गया माँ जी, थोड़ा ही बचा है, हो जाएगा। हो जाएगा, अच्छा जवाब है।
इसी वजह से तो तू अभी तक माँ नहीं बनी और ना ही कभी बनेगी, समझ गए? ऐसा नहीं माँ जी, मेरी तबीयत कुछ खराब है, इसकी वजह से देर हो गई, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। ये सब नाटक बहुत हो गया, अब मेहरबानी करके जल्दी से काम पूरा कर। ए अर्चना, ये आटा उठा कर ला। आई हूँ तेरे द्वार लेकर के
प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। अभी लाई। सदा सुहागन रहो। इस प्यासन को पानी पिलाकर तुमने बहुत ही पुण्य का काम किया है, तुम्हें फल जरूर मिलेगा। माई, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? कोई चिंता की बात है? ऐसी कोई बात नहीं, बताओ ना माई। हर मंगलवार मैं देवी माँ के मंदिर अवश्य जाती हूँ, मगर काम के कारण आज मैं नहीं जा पाई। इतने से बात के लिए दुखी हो? भक्ति में सच्चाई है तो तेरी प्रार्थना सुनकर देवी माँ स्वयं चलकर तेरे द्वार आएगी। मन में बस श्रद्धा होनी चाहिए, प्रार्थना पूर्ण हो जाती है। ये लो, उस मंदिर का ही प्रसाद है, ये तुम खा लो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, ये इस माँ का वचन है। लो माई, खा लो माई। आज से तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे। आई हूँ तेरे द्वार लेकर के आस हजार, माता की कृपा है अपरंपार। होम्योपैथी के हिसाब से तो तुलसी का पत्ता काम करना चाहिए। हो सकता है कि तुलसी का पत्ता नकली निकला हो। वही तो मुझे भी आश्चर्य लग रहा है, वरना ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे ही दवाई अंदर जाए तो बच्चा बाहर आ जाना चाहिए, ऐसा ही तुम सोचते हो। जिंदगी भर सोचते ही रह जाओगे तुम। इस सुपरमैन को भगवान ने कंप्यूटर का ब्रेन दिया है। एक तरफ अमेरिका की सोचता हूँ, दूसरी तरफ जापान की सोचता हूँ। सोचने के लिए तो भगवान ने मुझे सुपर ब्रेन दिया है, समझ गए? तो दूसरा आइडिया बोलिए ना। हाँ बोलो ना। अरे ये क्या मंदिर के बाहर बिखर जैसे कोरस में भीख मांगते हो ऐसे? हाँ जरा सोचने भी दो। अरे जरा जल्दी सोचो। आ गया, याद है तुमने एक बार कहा था तुम अपने भाई के नकली सिग्नेचर कर सकते हो, भूल गए क्या? हाँ कर सकता हूँ, और मेरे भाई को भी शक नहीं होगा कि ये सिग्नेचर मैंने ही किया है। कोई नहीं पहचानेगा ना, तो एक काम कर, चेकबुक निकाल ले, उसमें से क्लिप फाड़ ले, उसमें अपने नकली सिग्नेचर कर ले। कर दिया। रुपया नहीं मिलेगा सर। क्यों नहीं मिलेगा? अब आप ही बताइए, चेक पर दस्तखत ही नहीं है तो रुपया भला कैसे दे पाएंगे? आप दस्तखत लेके आइए। दस्तखत नहीं है, जरा गौर से देखिए ना साहब। मैं देख कर ही बोल रहा हूँ, शक हो तो आप ही देख लीजिए। देखिए ना। क्या कहा? दस्तखत है? जरा दिखाना तो। ये देखिए। ये क्या पागलों जैसी बात कर रहा है? जरा रुकिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। चेक में दस्तखत ही नहीं है, आप जरा देखिए, वो कह रहा है दस्तखत है। कौन आदमी? ओ शानू। हाँ दस्तखत तो आते ही नहीं, परेशानी किस बात की? इसके बड़े भाई को फोन करके पूछ लेता हूँ अभी। ये जो इसने किया वो बिल्कुल ठीक नहीं है। घर में रहकर इस तरह का काम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह का काम मेरे साथ करोगे। इसने काम मेरी मर्जी से किया, ये बात अगर इसे पता चल गई तो। अरे पापी, मेरे ही घर में रहके मेरे बेटे के साथ ये काम किया। इस घर में जब तूने ये काम किया तो तुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। निकल जा इस घर से बाहर, जा निकल। नहीं माँ, बस करो, ऐसा मत करो। छोटा भाई उसने गलती की ये सोचकर मैंने आपको बताया, अब आप भी गलती करने लगी है। अब आप इसे घर से निकाल रही हैं, हमारे सिवा इसका है ही कौन? ठीक है जानो, तुम अपने कमरे में जाओ। मेरे
जी कंग्रेचुलेशन डॉक्टर, तुम्हारी पत्नी ने आपकी तरह सुंदर बच्ची को जन्म दिया है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। काम काज नहीं करोगी तो तुम्हारा बच्चा अपाहिज लंगड़ा लूला पैदा हुआ तो बच्ची अकेली है, आसपास कोई नहीं। अगर इस बच्ची को इस बिच्छू ने काट लिया तो मजा आ जाएगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा। यस करेक्ट देवी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जाओ। इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जाओ। अब यहां रहना सही है। अरे रे रे मेरी रानी बेटी को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, गिर गई। अच्छा अच्छा ठीक है, मार देती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, गिर गई इसलिए रो रही है। ऐसा क्या? रोना नहीं बेटा, रोना नहीं, ठीक हो जाएगा। चुप हो जा, चुप हो जा। नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं। अब बताओ पापा का नाम क्या है? पापा का नाम है राम नारायण। माँ का नाम बताओ? शिवानी। दादी का नाम? दादी माँ। चाचा जी का नाम? शानू। पापा कैसे बैठते हैं? पापा माँ कैसे बैठती है? माँ। तुम कैसे बैठती हो देवी? मैं कैसे बैठती हूँ जानती हो? देवी श्री देवी काली महाकाली
यही सही मौका डाल दो, जल्दी करो। ये सांप इतना जहरीला है कि इसका डसा कभी बच नहीं सकता, बच्ची की मौत निश्चित है। वापस आ गया, आ जा। अरे ओए, उस बच्चे में डस लिया क्या? ये क्या? मुझे डस लिया? ऐ, तू नाराज है क्या? कौन है? नहीं जानता। कैसे पहचानेगा? ये कोई दिलीप कुमार है जो तो इसे पहचानेगा। अब जानने का समय आ चुका है। हाँ, इसका नाम जानते हो? एंथोनी गोंडोलेस। देवी को मारने के लिए तुमने कहा था ना, उस काम के लिए इसे लेके आया हूँ। तुम जिस स्टाइल से मारने के लिए कहोगे उस स्टाइल में मारने के लिए तैयार है, उसकी मेरी गारंटी। हाँ, बोलने को तो सभी बोलते रहते मगर करता कौन है? बंद कर, उड़ने की जरूरत नहीं। अरे क्या यार, तुम खामखा इसे गुस्सा दिलाते हो। शिव जी को जब गुस्सा आता है तो तीसरी आँख खोलते हैं, इसे जब गुस्सा आता है एक आँख बंद करता है। ये इसने एक आँख बंद कर दी, तुम्हारा काम हो चुका समझो। तो इसी से काम चलाओ ना। और अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो हमारा क्या होगा? पुलिस और मुझे? जल्दी से बताओ, मुझे डर लग रहा है। हमसे सारा संसार, यहाँ तक के बच्चा भी हमसे डरता है। कारण? हमारा बल, हमारी शक्ति। हीरो को एक ट्रेलर दिखाओ, तब जाके इसको भरोसा बैठेगा। बताता हूँ, आज से 25 साल पहले एक रात
और है तू? यकीन है मेम साहब ने पहले ही बोल दिया था ना, और मुझे भी पूरा भरोसा है तुम पर। कितने पैसे लोगे? काम होने के बाद दाम वसूलना ये मेरा काम है। जो बोलता है वही करता है ये। अब तो मुझे मत सुना, अब तुम्हारी कहानी खत्म हो गई, समझे? रुक जाओ, मेरे पास मत आना वरना ठीक नहीं होगा। तुझे मारने के वास्ते ही मैं यहाँ लाया हूँ, यहाँ पे तुझे बचाने कोई नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? तेरे सामने देवी माँ जो है। देवी? कौन? तुम? मैं इस देवी की नहीं उस देवी की बात कर रही हूँ। इतने बरस हो गए, आज तक इस देवी ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं ही इस संसार में सर्वशक्तिमान हूँ, तुम्हारी ये देवी माँ मेरा क्या बिगाड़ सकी? कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देवी माँ की शक्ति पर तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? देवी? देवलो? मैं नहीं मानता।
देवी कहाँ चली गई है? क्या कह रही हो शिवानी? अपनी देवी लापता है। शिवानी रो मत, वो जरूर वापस आ जाएगी, घबराओ मत। ये क्या बात कर रही हो? घर के बगीचे में तो खेल रही थी, एकाएक कहाँ चली गई होगी? अब आप खड़े क्यों हैं? जाकर उसे ढूंढिए। जाइए जाइए। देवी कहाँ चली गई थी बेटी? तुम्हें खोज खोज कर तुम्हारी माँ परेशान हो गई है, देखो तो। इसलिए माँ रो रही है? नहीं माँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्यों चाचा? हाँ बेटा, हाँ। कहाँ चली गई थी देवी? मैं ऐसे ही घूमने बाहर गई थी, बस घूम करके मैं वापस आ गई। बस माँ आप परेशान मत हो। इस बच्ची को कुछ मत करना बेटा, मेरी बात मान। इस बच्ची को कुछ मत करना, ये अपने माँ बाप के इकलौते बेटी है, इसे बाहर लेके मत जा। मेरी बात मान बेटा, ये अकेली मासूम बच्ची है, मेरी बात मान बेटा। क्या कह रही हो माँ? एकाएक इस बच्ची के लिए तुम्हारे मन में स्नेह कहाँ से आ गया? कल यही सारे धन संपत्ति की बारिश हो गई, ये जानती हो ना? कल तक तो ये तुम्हारे दुश्मन थी, आज तुम इसके हमदर्द कहाँ से बन गई? मेरी खुशी के लिए इस बच्ची को छोड़ दे। मुझे तुम्हारी खुशी नहीं अपनी खुशी प्यारी है। मेरी बात को जरा समझा करो माँ, मेरी बात सुनो माँ। जब तक ये लड़की घर में है तब तक हमें कोई संपत्ति नहीं मिलने वाली, इस बात को तुम समझती क्यों नहीं हो माँ? इस वारिस को लावारिस बना के छोड़ूंगा मैं। बेटा मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, इस बच्ची को छोड़ दे बेटा, इस बच्ची को छोड़ दे। इतनी कुछ मत करना। Thank you.
घबराओ नहीं बेटा, मैं जाकर देख कर आता हूँ, जब बुलाऊंगा तब आ जाना, ओके? हाँ। जी बाबूजी। काम हो गया? हाँ, तीन दिन से भूखा है बाघ। कैसा क्या? चलो देखते हैं। आइए। देख लिया सरकार, जंगल में कहीं भी कोई आदमी हो, ये जाके ढूंढ के निकालेगा और उसको खा जाएगा। चार दिन से भूखा है। जरा दरवाजा। नहीं अभी नहीं, अभी खोलेंगे तो हम लोग को ही खा जाएगा। हम लोग पहले ऊपर चल जाते हैं, फिर दरवाजा खोलूंगा। छोटी माँ, छोटी माँ, क्या हुआ आपको? चोट तो नहीं लगी? बेटा, तेरा छोटा भाई तेरी बेटी को लेकर मारने चला गया है, क्या करेगा पता नहीं। माँ जी, कहाँ ले गए? मैं नहीं जानती वो उसे कहाँ लेकर गया है। देवी, आ रही हूँ चाचा। मैं यहाँ हूँ, आ जाओ। चाचा। अरे वो आ रही है, दरवाजा खोलो। तो वापस आ रहा है। कर्मों का फल मिल गया है, इससे अधिक सताना
उचित नहीं है। तुम इस जंगल में आजादी से रहना, ठीक है? जा, जा। जल्दी जाओ, मेरे माँ बाप आ गए हैं, तुझे देख के डर जाएंगे। जल्दी जाओ। देवी! हाँ मेरी बच्ची, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे लिए मैं बहुत चिंतित थी बेटी, भगवान ने तुम्हें बचा लिया। देवी मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं हुआ, मगर बेचारे चाचा जी को चोट आई है। बेटा, बेटा, इतना मना किया था, इतना मना किया था, फिर भी तूने मेरी बात नहीं मानी। देख क्या हो गया, ये सब क्या हो गया? रोने नहीं दादी माँ, चाचा जी ने जरूर कोई बात किया होगा, इसी कारण देवी माँ ने खुद इनकी ये दशा की है। दर्द हो रहा है, जब मैंने मना किया था तब तो तूने मेरी बात नहीं मानी ना, अब जो किया है उसके लिए तुझे भुगतना है। माँ, माँ, उस दिन जब यही माँ तेरे पांव पकड़ कर गिड़गिड़ाई थी कि उस बच्ची को कुछ मत करना, तब तो तूने मेरी बात नहीं मानी ना, लेकिन तू उस बात में बच्ची के जान लेने पर उतार रहा हो गया था। क्या करूँ माँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं भला क्या कर सकता हूँ माँ, क्या कर सकता हूँ? बेटा अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, उस मासूम बच्ची से क्षमा मांग ले। माँ इसकी आवश्यकता नहीं, बच्चा गलती करे तो उसे क्षमा कर देना चाहिए, वो पहले से ही दुखी है, उन्हें और दुखी मत कीजिए, मेरी बात मानिए। तुम जैसा कहो। माँ मैं एक बात पूछूं? पूछो बेटी। मनुष्य अगर गलती करे तो दंड कौन देता है? देवी माँ। जब खुद देवी माँ ने दंड दिया है तो क्यों माँ दादी माँ पापा और हम सब चाचा जी से नफरत करते हैं? बेचारे चाचा। क्या हुआ, जिंदगी से हार गए हो? तुम्हें बहुत बहादुर समझा करती थी। छोटी सी मुसीबत से घबराकर मरना चाहते हो? मैंने तुमसे ज्यादा कष्ट उठाए हैं, फिर भी मैं जीवन से हारी नहीं। संकट में धैर्य के साथ जीवन जीना चाहिए, मृत्यु का विचार लाना कायरता है, जीने की कोशिश करो, अवश्य सफल होगी। देखो जीवन में जिसे खोया उस पर रोना बेवकूफी है, जो कुछ भी हमारे पास है उसे खुश होना सीखो। कमी शरीर में हो सकती है, मन में नहीं होनी चाहिए। खाना खा लो। भैया मेरी बात मानो, ये ऐसा अच्छा नहीं क्या? अच्छा तो है, ये अच्छा नहीं है। खुजली हो रही है, खुजली। आ चुप रहा है क्या? ओ पूछ के बाल ये निकाल दिए। आ
अभी तो मेरे पुराने रवि जैसे। पहले मामा था और अभी हंगामा। अच्छा उस शानू का हम क्या करें? कुछ भी नहीं होगा, छोटा मामा करके बोल देना। एक तो पैसे नहीं है, ऊपर से लंगड़ा। आज के बाद अगर यहाँ आया उसकी दूसरी टांग भी छोड़ देना। तो पैसों के लिए क्या करेंगे? पैसे की चिंता तुम छोड़ दो, पहले ये बताओ कि लंगड़े को कैसे बाटली में उतारा? धोखे से ना? तूने धोखा देकर मेरा पैसा खाया है। ए, पैसा मुझे दिया था क्या? इसको देख के ई करके दे दिया। बाद यहाँ कहीं नजर भी आया तो उसी टांग तोड़ के हाथ में दे दूंगा, याद रहे। देवी चोरी से देखना नहीं, हाँ चलो पकड़ो। बेईमानी ने आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। इधर 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 मैं यहाँ हूँ, आ जाओ आ जाओ बेटी। आ जाओ बेटी इधर। ऐसे आ जाओ आ जाओ। अरे ए बंद करो डॉक्टर, देवी अच्छी तो हो जाएगी ना? हम जो कर सकते हैं हमने किया है, लेकिन
जिस देवी माँ की कृपा से इस बच्चे ने जन्म लिया उसे नाग देवी को इसका जीवन बचाना होगा। नाग देवी के मंदिर जाकर उस नाग देवी की पूजा करनी होगी। चलिए। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुक गई? पता नहीं, देखता हूं। देवी माँ के पास जाना है। हाँ देख रहा हूं, जल्दी कीजिए। देवी माँ, मेरे दोनों पांव थे तब मैं तेरे पास नहीं आया, मगर आज एक पांव से चलकर तेरे सामने आया हूं। तू देख रही है ना, जिस बच्ची ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी, उस बच्ची का जान लेने वाला मैं ही तो था माँ। अब तू मेरा जीवन ले लो, मगर इस बच्ची को जीवन दे दो माँ। इस बच्ची को जीवन दे दे, मेरा जीवन ले ले माँ। इस बच्ची का जीवन दे दे माँ, दे दे माँ, मेरी जान ले ले माँ। शानू, मेरी जान ले ले माँ। शानू उठो। देव, जिस बच्ची का जन्म तेरी कृपा से हुआ, आज उस बच्ची का जीवन। संकट में है, तू अपनी कृपा और करुणा दिखाकर इस बच्ची का जीवन इसे वापस कर दे देवी। इसके अलावा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है देवी, कोई नहीं है मेरा। माँ काली, जी।
देवी, मेरी बच्ची, देवी की कृपा से, इस नाग देवी की कृपा से फिर एक बार तुमने जीवन पाया है। जाकर उसका आशीर्वाद ले लो बेटी, हमें आभारी होना चाहिए। जाओ बेटी, आशीर्वाद ले लो। अंदर जाओ माँ। हाँ बेटी, माँ ने कह दिया ना, तुम जा सकती हो। जाओ बेटी। ठीक है। शिवानी, हाँ मैं ही देवी हूँ। उस दिन तुम दुखित मन से इस मंदिर में आई थी। तुमने पवित्र मन से इस मंदिर को स्वच्छ किया था। तुम्हारी कोई संतान नहीं थी। तुम्हारी दशा जानने के पश्चात मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री का रूप लेकर तुम्हारे घर में जन्म लिया। तुमने माँ बनकर मेरी सेवा की। अब मुझे पुनः देवलोक जाना है। मुझे इस पृथ्वी लोक से जाना ही होगा। तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। यही मेरा आशीर्वाद है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुहागन एवं सदा सौभाग्यवती रहो। तुम सदा सुहागन और सदा सौभाग्यवती रहो। देवी माँ, मेरे घर में दो पुत्री बनकर आई। पांच साल तक मेरी देवी माँ, मेरी देवी माँ मेरी पुत्री बनी। ये सौभाग्य किसी को भी नहीं मिला होगा, किसी को भी नहीं मिला। देवी माँ,